मुंबई से दिल्ली एक ट्रेन में सोनू नाम का टीटी टिकट चेक करते करते फर्स्ट क्लास में आ जाता है, जहां उसे तीन लोग दिखाई देते हैं। वो तीनों के आईडी चेक करता है, तीनों में से एक का आईडी फेक है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कौन सा आईडी फेक है, ए बी या सी? सोचिए सोचिए। दूसरे वाले आईडी का डेट ऑफ बर्थ देखिए, 31 नवंबर लिखा हुआ है। अब नवंबर में बस 30 डेज होते हैं, मतलब ये आईडी कार्ड फेक है। सोनू उस आदमी को ढूंढने लगता है तो देखता है कि वो कोच नंबर 6 में चला गया है। सोनू उसके पीछे पीछे उस कोच में जाता है तो एकदम घबरा जाता है। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं सोनू ने ऐसा क्या देख लिया कि वो एकदम घबरा गया? सोचिए सोचिए। पहले तो कोच में कोई नहीं था और वो आदमी तो कोच नंबर 6 में गया था, तो वो कहाँ गायब हो गया? और कोच के वॉल पे देखिए, पैरों के निशान कहाँ से आ गए? सोनू वहां से भाग जाता है और तुरंत यश द घोस्ट हंटर को कॉल करके बुला लेता है। यश द घोस्ट हंटर अपनी बाइक को रेडी करता है और कन को लेकर ट्रेन के लिए निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद यश को तीन रास्ते दिखाई देते हैं। क्या आप रास्तों को देखकर बता सकते हैं यश को कौन सा रास्ता लेना चाहिए? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। यश ट्रेन को कोई स्टेशन से पकड़ सकता है। उसे पता है कि ट्रेन मुंबई से दिल्ली जा रही है, तो बेटर है पटरियों से वो स्टेशन तक पहुंच जाए। यश वही करता है और स्टेशन पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही यश की घड़ी में आवाजें आने लगती है। क्या आप स्टेशन के सीन को देख के बता सकते हैं भूत कहां छुपा हुआ है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। कूली को ध्यान से देखिए, उसकी परछाई नहीं बन रही है, मतलब वही गोस्ट होगा। यश अपनी गन निकालता है और कूली को पकड़ लेता है। अगर आपने भी भूत को ढूंढ लिया था तो मुझे लाइक करके बताएं। उतने में वहां ट्रेन भी आ जाती है और यश ट्रेन में चढ़ जाता है और सीधे जाके सोनू से मिलता है। सोनू उसे कोच नंबर 6 में लेके जाता है। कोच 6 में यश की वॉच कोई सिग्नल नहीं देती है। लगता है भूत यहाँ से कोई और कोच में चला गया है। लॉजिकल आर्मी, ट्रेन में दो डायरेक्शन है, लेफ्ट और राइट। क्या आप सोच के बता सकते हैं यश को कौन सा डायरेक्शन लेना चाहिए जहां शायद वो भूत गया होगा? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। वो पैरों के निशान को देखिए, वो लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, मतलब भूत ट्रेन में लेफ्ट की तरफ गया होगा। यश ट्रेन के अंदर उन पैरों के डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगता है। आगे सिटिंग वाला कोच था और सब बैठे हुए थे। यश की वॉच जोरों से आवाज करने लगती है। यश समझ जाता है कि यहाँ पे भूत कहाँ छुपा हुआ है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप भूत ढूंढ पाए? ध्यान से सीन को देखिए, वहां सभी लोगों के पैर सीधे डायरेक्शन में थे, लेकिन इसके पैर देखिए उल्टे डायरेक्शन में है। यह समझ जाता है कि वही गोस्ट है। यह जैसे ही अपनी गन बाहर निकालता है तभी वहां की लाइट बंद हो जाती है, और जब लाइट वापस आती है तो गोस्ट वहां नहीं होता है। यश की वॉच में सिग्नल्स आ रहे थे। यश वॉच के सिग्नल्स को फॉलो करते हुए आगे जाने लगता है और किचन तक पहुंच जाता है, जहां तीन शेफ खाना बना रहे थे। यश समझ जाता है कि भूत यहीं छुपा हुआ है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं भूत कहां छुपा हुआ है? सोचिए सोचिए। पहले वाले शेफ को देखिए, वो कढ़ाई में से हाथ से समोसे निकाल रहा है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? और कढ़ाई भी देखिए कितनी गर्म है, धुआं निकल रहा है। यश अपनी गन बाहर निकालता है, लेकिन कोच वो गर्म कढ़ाई यश के ऊपर फेंक देता है। यश किसी तरह उससे बच जाता है, तो वो शेफ भूत बन जाता है और किचन की खिड़की से चलता हुआ बाहर निकल जाता है। अरे ये भूत तो ट्रेन के ऊपर चला गया, अब इसे कैसे पकड़ू? यश की वॉच में भी ट्रेन के ऊपर से सिग्नल आ रहे थे। वो भूत ट्रेन के ऊपर चला गया था और पीछे की तरफ जा रहा था, और यश ट्रेन के अंदर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं भूत को पकड़ने के लिए यश क्या कर सकता है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। यश ट्रेन की चेन खींच सकता है जिससे ट्रेन रुक जाएगी। यश ट्रेन की चेन खींच के उसे रोक देता है और डोर से स्विंग करता हुआ सीधा ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। यश फिर फायर बॉम्ब्स निकाल के भूत के ऊपर फेंकना शुरू कर देता है। भूत फायर के वजह से यश के पास नहीं आ पा रहा था, लेकिन तभी अचानक ट्रेन चलने लगती है और यश की गन नीचे गिर जाती है। गोस्ट ट्रेन से नीचे जंप करता है और यश की गन उठाकर वापस ले आता है और एक से दो गन बना लेता है।
ये गोस्त तो मजिशियन भी है, मेरी गन को बना दिया सिंगल से डबल। गोस्त फिर दोनों गन्स को अलग अलग डायरेक्शन में फेंक देता है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं दोनों में से कौन सी असली गन है और कौन सी नकली गन है, सोचिए सोचिए। यशिया आने से पहले एक गोस्त को पकड़ के आया था और उसे बैग में कैद कर लिया था। यहाँ ध्यान से देखिए, दोनों में से सिर्फ ये वाले बैग के अंदर ही गोस्त है, मतलब यही गन यश की असली गन होगी। यश ट्रेन से कूद जाता है और हवे में ही गन पकड़कर ट्रेन में घुस जाता है। इस गोस्त को पकड़ना नहीं होगा आसान, कभी यहाँ तो कभी वहां, बड़ा नचा रहा है ये। यश को वापस उस गोस्त के सिग्नल आने लगे थे। यश सिग्नल को फॉलो करता हुआ स्टोर रूम के पास पहुंच जाता है, लेकिन स्टोर रूम बंद था। डोर पे कुछ एंटिक डिजाइन बने हुए थे, इनमें से एक डिजाइन ऐसी है जो बाकियों से अलग है, उस पर प्रेस करके डोर ओपन होगा। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं वो कौन सी डिजाइन है तो यश को प्रेस करना चाहिए, सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। बाकी सारी डिजाइन सर्कल पे है, लेकिन ये वाली डिजाइन स्टार के ऊपर है और यही ऑड वन आउट है। यश उस डिजाइन को प्रेस करता है तो स्टोर रूम का दरवाजा खुल जाता है और यश स्टोर रूम के अंदर जाता है। यश की बहुत जोरों से आवाज करने लगती है, लेकिन भूत कहाँ है यश को समझ नहीं आ रहा था। यश को एक वुडन बॉक्स मिलता है जो लॉक्ड था, तभी वहां सोनू भी आ जाता है। तब यश के पूछने पर सोनू बताता है कि बॉक्स की उसके ऑफिस में है, मैं उसे लेकर आता हूँ, और सोनू वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद वहां की लेकर वापस आ जाता है। सोनू अंदर आके यश को की दे देता है, लेकिन यश समझ जाता है कि ये सोनू नहीं नकली सोनू है। कैसे लॉजिकल आर्मी, यश ये कैसे समझ जाता है। सोनू के कपड़े देखिए, पहले कुछ और थे और अभी कुछ और है, मतलब वो भूत सोनू बन के आ गया है। यश उसको पकड़ने के लिए अपनी गन बाहर निकालता है तो वो यश को अपने पावर से दीवार पे चिपका देता है। क्यों परेशान कर रहे हो सोनू को, सोनू ने क्या किया है तुम्हारे साथ। तो फिर वो भूत यश को अपनी कहानी बताता है, मैं ट्रेन में मेरे शहर से गांव लौट रहा था, मेरा पर्स चोरी हो गया और उसमें मेरी ट्रेन की टिकट थी, उसी वक्त मुझे टीटी ने पकड़ लिया। टिकट नहीं होने की वजह से उसने मुझे ट्रेन से धक्का दे दिया और मेरी मौत हो गई। भूत बन के मैं ये सब टीटी लोगों को मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। यश धीरे से अपने पॉकेट से फायर बॉम्ब निकालता है और उस भूत के ऊपर फेंक देता है। भूत डिस्टर्ब हो जाता है और यश दीवार से छूट जाता है। फिर वो तुरंत अपनी गन निकाल कर उसे पकड़ लेता है। किसी और टीटी की सजा तुम हर टीटी को नहीं दे सकते हो, चलो अब मेरे गोसिस्तान में कैद रहो। और यश उसे ले जाके अपने गोसिस्तान में कैद कर देता है और आराम से सो जाता है।